ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 8 अप्रैल 2024 को लगने वाला सूर्य ग्रहण आपके राशि के ऊपर यानी वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव डालने वाला है, क्या यह ग्रहण आपके लिए सकारात्मक है या आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव देने वाला है। तो देखिए, 8 अप्रैल 2024 को लगने वाला सूर्य ग्रहण काफी महत्वपूर्ण और काफी प्रभावी रहने वाला है। इसका प्रभाव भारत समेत कई अन्य देशों में देखने के लिए मिलेगा। यह ग्रहण चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या दिन सोमवार मीन राशि और स्वाति नक्षत्र में लगने वाला है। यह ग्रहण रात्रि में 9:12 पर शुरू होगा और इसकी समाप्ति रात 2:22 पर होने वाली है। कुल मिलाकर 5 घंटा 10 मिनट तक ग्रहण चलने वाला है। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका कोई भी सूतक काल मान्य नहीं है। यह सूर्य ग्रहण अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड, कनाडा, क्यूबा, मेक्सिको, नीदरलैंड इन देशों में दिखाई देने वाला है, इसलिए इन देशों में इसका सूतक काल मान्य है। और सूर्य ग्रहण का 12 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाता है। जब यह ग्रहण चलेगा तो मीन राशि में 4 ग्रहों की युति बनने वाली है। सूर्य, राहु, शुक्र और चंद्रमा इन 4 ग्रहों का सहयोग मीन राशि में बनेगा। इसके प्रभाव से विश्व के कई देशों में तेज तूफान, बारिश, अकाल पड़ने की संभावना और इस ग्रहण के प्रभाव से राजनीतिक परिवर्तन, सोने चांदी, किराना तथा महंगी धातुओं के बढ़ने की मूल्य बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। अब आइए हम आपको बताते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, आप इसे इसी आधार पर देखें। वृश्चिक राशि वाले जातकों, यह ग्रहण आपके राशि के पंचम भाव पर प्रभावी होने वाला है। पंचम भाव पर ग्रहण के प्रभाव से आपके जीवन में कई प्रकार की सकारात्मकता मिलने वाली है। पिछले समय से कर्म क्षेत्र के मामले में यदि आप किसी प्रकार का अवरोध या रुकावटों का सामना कर रहे हैं, उससे आपको निजात मिल सकती है। धन वैभव की बढ़ोतरी होने वाली है, यानी यदि आप प्रयास करते हैं तो आपको धन धान्य काफी ज्यादा मिल सकता है। 8 अप्रैल से लेकर आने वाले 40 दिनों की समयावधि में इस ग्रहण के ही प्रभाव से दाम्पत्य संबंधों को लेकर सावधान रहना चाहिए। दाम्पत्य तनाव को भी यह ग्रहण दर्शाने वाला है। पंचम भाव पर ग्रहण का प्रभाव रहेगा। पंचम भाव से प्रेम संबंध के बारे में विचार किया जाता है, इसलिए प्रेम जीवन के रिश्तों में यदि आपका जुड़ाव है तो आपको इस समयावधि में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इन दिनों में अपने आवेग को और अपने क्रोध को कंट्रोल करके चलने की आवश्यकता भी वृश्चिक राशि को रहने वाली है। सामान्यतः आपके जीवन में कई रुके काम के बनने का योग भी यहां पर दिखाई दे रहा है, यानी पिछले समय से ऐसे कार्य जिनका पूरा होने का आप काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं पूरा नहीं हो रहा है, रुके और लटके हुए कार्य आपके जीवन में बन सकता है। अगर आपको धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, गेहूं, तांबा, गुड़, खांड, लाल चंदन इनमें से किसी भी चीज का दान ग्रहण काल की समाप्ति के पश्चात यदि आप करते हैं तो आपके लिए शुभता बढ़ने वाली है। जब ग्रहण चल रहा हो, भोजन बनाना, तेज आवाज में बात करना, नींद लेना, खासतौर से गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर निकलना, इन सभी चीजों की मनाही होती है, इसलिए इन सभी चीजों को आप सावधान रहें, इन चीजों को लेकर ध्यान रखें। ग्रहण काल के समयावधि में यदि आप महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगे।
मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः।